नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि बुलेट की साइलेंसर या इसका इंजन है, इसकी ट्यूनिंग कैसे की जाती है। देखिए, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कस्टमर हैं जो मॉडिफिकेशन करवाते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइलेंसर हैं। इसकी ट्यूनिंग करते वक्त पहले तो इसका साइलेंसर का डिज़ाइन चेंज किया जाता है, जिनमें ज़्यादा फिन्स नहीं होती है, एक ओपन खोखली ट्यूब होती है। उसके बाद इंजन की टाइमिंग इस तरह से की जाती है कम्बस्टन चैम्बर के अंदर कि जो इसका एग्जॉस्ट पोर्ट है उसमें से अनबर्न फ्यूल भी थोड़ा सा निकले। जैसे अनबर्न फ्यूल निकलेगा इंजन में एग्जॉस्ट के रास्ते से, तो उसके साथ जैसे ही थ्रोटल दिया जाएगा तो गर्म गैसेस के साथ मिलके वो जो अनबर्न फ्यूल है वो चिंगारी या फ्लेम का रूप ले लेगा। तो आपने देखा होगा इसके लिए भी एक अच्छे मैकेनिक हैं जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको करते हैं, बट इसमें लॉस ये है कि फ्यूल की ओवर कंजप्शन होती है। तो आइए एक बार देखते हैं ट्यूनिंग कैसे की जाती है। ये साइलेंसर चेंज किया जा रहा है इसका। तो इस तरह से जब अनबर्न फ्यूल कम्बस्टन चैम्बर के अंदर आएगा और वो कच्चा ही फ्यूल सीधा एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से या एग्जॉस्ट वाल्व से निकलेगा, तो वो गर्म गैसेस के साथ मिलके फ्लेम को बाहर निकालेगा, बाहर की ओर निकालेगा। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे जो बुलेट लवर्स हैं वो पटाखे मारते हैं चाबी को ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके, उसके साथ कई बार फ्लेम भी निकलती है। तो वो फ्लेम निकलने का रीज़न यही होता है। टाइमिंग को इस तरह से ट्यून किया जाता है साइलेंसर के साथ ताकि वो लार्जेस्ट साउंड करे। वैसे तो गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं करती है कि आप 75 dB से आई थिंक ऊपर का साउंड है जो वो एलो नहीं होता है। और किसी भी तरह की जो मॉडिफिकेशन है गाड़ी में वो RTO अलाउड नहीं करता है कि आप, जिससे कि गाड़ी अपनी स्पेसिफिकेशन से बाहर चली जाए। उन्हीं को मान्यता मिलती है जो स्पेसिफिकेशन के अंडर हो, जैसे अलॉय चेंज करवा सकते हो आप। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको बुलेट की ट्यूनिंग के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।